तो दोस्तों, हम लोग जो आज प्रोडक्ट देखने जा रहे हैं वो है डेनफोस के आरटी सीरीज के प्रेशर स्विचेस, जिसके अंदर बहुत सारे आते हैं, RT1, RT110, RT126, RT262, RT260। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये है RT110। और इसका जो कोड है वो है 01752916। ये ऑटो रिसेट है। इसका रेंज जो है वो है 0.02 से 3 बार तक, और डिफरेंशियल जो है वो है 0.08 to 0.025 बार। तो अभी हम लोग उसको खोल के बाहर निकाल लेते हैं बक्से से। तो अभी अगर आपको कभी इसको खरीदना है और आपका कहीं पे साइट पे काम चल रहा है और आपके पास उसका बक्सा नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल होता है कि ये प्रोडक्ट ढूंढे कैसे, कि ये कौन सा कोड है आरटी के सीरीज में, क्योंकि इसके ऊपर 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 के बक्से के ऊपर कहीं पे भी लिखा नहीं है कि इसका कोड क्या है। तो इसका कोड देखने के लिए आपको जो है ये प्रोडक्ट जो है इसको उल्टा करना पड़ेगा, मतलब जो नीचे से कनेक्शन है वो साइड से देखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे अभी आपको दिखेगा, जैसे मैंने पहले भी बोला था, ये अपना कोड है 01752916। ये अगर आप कहीं पे भी देखोगे तो आप इसे पूछ सकते हो आपके सप्लायर को कि इसका कोड क्या है आपको जो खरीदना है। अभी हम इसको खोल के अंदर से आपको दिखा देते हैं कि अंदर कैसा दिखता है और कहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हो। चलिए हो गया। अब ये खुलने के बाद आपको दिखेगा ये जो राइट में दिख रहे हैं ये कॉन्टैक्ट्स है, जहां पे आपको वायर कनेक्ट करने हैं। ऊपर जो दिख रहा है ये जो है ये है उसका प्रेशर रेंज 0.02 से लेके 3 बार तक का। और नीचे के साइड में जो है वो है डिफरेंशियल 0.08 से लेके 0.25 बार तक। और ऊपर का जो भी आपको नॉब दिख रहा है ये सफेद वाला, इससे आप ऊपर के जो सेटिंग है मतलब प्रेशर के सेटिंग, उसको आप घुमा के कर सकते हो। अभी हम इसको घुमा लेते हैं। ये देखिए ये भी नीचे आ रहा है 0.1 0.5 बार के ऊपर। और नीचे की साइड में आपको जो दिख रहा है ये व्हाइट वाला, ये है उसका डिफरेंशियल का सेटिंग का नॉब। इसके ऊपर 0 से लेके 10 तक आंकड़े लिखे हुए हैं, मतलब आप उसको उतना ही घुमा सकते हो 0 से लेके 10 तक। आपके पास जो मैनुअल रहेगा उसके ऊपर आप देख के उसको सेट कर सकते हो कि आपको कितना, 1 नंबर पे क्या है, 2 नंबर पे क्या है, ये आपको मैनुअल में दिख जाएगा। ये मैनुअल आपको हमारे वीडियो में नीचे हम लोग दे देंगे आपको, अभी आप लिंक में चेक कर सकते हो। ये कॉन्टैक्ट्स है जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था। इसको आप निकाल के भी सेट कर सकते हो, मतलब वायरिंग कर सकते हो। ये पूरा पूरी तरह से बाहर आ जाता है। ये जो अपना प्रेशर स्विच है डैनफोस का RT110, ये लो लेवल प्रेशर स्विच है, मतलब इसका जो रेंज है बहुत कम है और डिफरेंशियल भी बहुत कम है, तो ये हाई एक्यूरेसी पे काम करता है।
अभी आपको इसको सेटिंग करना है, मतलब प्रेशर रेंज रखना है 2, तो मैंने इसको भी 2 पे ले लिया है नीचे। अब देख सकते हो ऊपर का नॉब व्हाइट वाला घुमाएंगे तो वो ऊपर नीचे आएगा। तो अभी इसको हम लोग ने 2 पे रखा है, ये हो गया इसका प्रेशर सेटिंग का। अभी ये जो नीचे का नॉब है वो है डिफरेंशियल के, जैसे ही मैंने बोला आपको कि ये हाई प्रेशर स्विच है, सॉरी हाई जैसे मैंने आपको बोला ये हाई एक्यूरेसी पे काम करता है, तो इसका जो डिफरेंशियल है वो बहुत ही कम है, मतलब 0.08 से लेकर 0.25 बार तक। अभी मुझे इसको रखना है 0.20 बार पे के ऊपर, तो इसको मैं 7 या 7 से थोड़ा पहले रखूंगा, क्योंकि इसका जो प्रेशर डिफरेंशियल प्रेशर है वो मैक्सिमम 0.25 बार है। तो इसका जो रेंज है जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, हम लोग डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा दे देंगे कि कौन से नॉब पे कौन सा आता है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये मैंने 0.07 नंबर के नॉब पे रख दिया है, तो यहाँ से आप डिफरेंशियल सेट कर सकते हो। तो ये जो वीडियो है इसमें आपको हम लोगों ने सेटिंग के बारे में बता दिया, इसके डिटेल्स के बारे में बता दिया, इसका प्रेशर रेंज के बारे में बता दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।